और मम्मी किस दिन मेरे ऊपर गिर जाता तो वक्त रहते हमने काम करवा लिया क्योंकि ये पूरा हिल रहा था। एक तो आज हमारी जान बच गई, तो ऐसी बाबू ने कंप्लेन करी थी, तो सीलन आ रही थी हमें यहाँ पे, बहुत टाइम से चेंज करवाना था, इसके चक्कर में जब उनने इस पे ट्राई करा तो भाई ये आधी छत नीचे आ गई। इस बार हालत सारी खराब हो चुकी, सब खराब हो गया। तो अगर आकाश यहाँ में सो रहा होता तब गिर जाता तो उसके बाद ब्लॉग चैनल तू कंटिन्यू करता। बारिश बारिश करते रहते तो भाई पूरा घर फैला हुआ है। और उस इंसिडेंट के बाद मेरा जितना भी रूम का सामान है सब यहाँ पे पड़ा है, इवन मेरे फर्स्ट आईफोन का पैक भी यहाँ पे पड़ा है और बहुत सारी चीजें। तू कहाँ जा रहा है बे, तुझे तो मैंने याद के तौर पे रखा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो टेबल था और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ बारिश की वजह से ख़राब हो चुका है। तो कई बार अच्छा व्यू भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। लास्ट टाइम वॉलपेपर लगवाया था, अभी वॉलपेपर मेरा पूरा ख़राब हो चुका है, अभी इसको पूरा हटाना पड़ेगा और अब देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। ये वॉलपेपर मैंने जब पहले लगवाया था, अब इसको यार हटाना ना बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि हट नहीं रहा है और लाइट्स वगैरह सब कुछ गंदा हो चुका है यहाँ पे। ये मेरा मिरर, एसी, हालत देख लो आप, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ के चक्कर में और क्या। अब आपको एक फ़नी चीज़ बताता हूँ, आपको फ़नी चीज़ ये बताता हूँ कि अभी मेरे घर में फाइनल सब कुछ हो चुका है, जब हमने कंप्लेन करी उसके अकॉर्डिंग। तो ये देखो कुछ इस तरीके की फिनिशिंग आई है। अब सोचो कि बंदा इसमें कैसे करेगा भाई, मैं इससे ज़्यादा पैसा पहले खुद से लगा चुका था तो अब दोबारा से वही चीज़ करनी पड़ेगी। उसके चक्कर में ये ख़राब हुआ, अब ये वॉल ख़राब हो गया, ये वॉल ख़राब हो गया और ये। तो गाइस कंफ्यूजन इतना ज़्यादा है ना कि अब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, और समझ इसलिए नहीं आ रहा है कि यार अब मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ से क्या स्टार्ट करा जाए। क्योंकि अगर हम बात करूँ इसकी तो ये भी पूरा ख़राब हो चुका है, और इससे पहले वाला अगर आपको सीन दिखाऊँ कि पहले रूम कैसा था। पहले ऐसा था और अब हो चुका है इस तरीके का, और सब कुछ फैला हुआ है। और ऊपर की बात करें तो देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो ये हमारी छत है, बट इसका भी मैं कुछ अच्छा सा जुगाड़ करने वाला हूँ। और उससे पहले सब कुछ ये क्लीन करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार कि पूरा कुछ एक सिंगल थीम रखूँ क्योंकि रूम छोटा है, और जब हम बहुत सारे मल्टी कलर इसमें अप्लाई कर देंगे तो रूम एकदम छोटा छोटा लगने लगता है। यहाँ पे मेरा सामान पिछले 3 दिन से डेली भीग रहा है, जो अंदर कराया था उसको सूखने में लगता है टाइम। यहाँ पे आई थिंक ये सब कुछ खराब ही हो चुका है ऑलमोस्ट, बट चेंज इसको नहीं करेंगे अभी। गाइस बाहर का मौसम देखो, तो गाइस बाकी काम के लिए देखो मैंने कास्ट को लगा दिया, और ये कौन सा स्टाइल है तेरा? ऐसा पहली बार हो रहा है कि ना तो मैं ड्रायर कर रहा हूँ और मैंने शर्ट पहनी, ये मेरी काफी पुरानी शर्ट है, 2 ही बार पहनी है मैंने आज तक। अब देखो मुझे क्या मिला, मुझे मिला है यहाँ पे, अब बताओ क्या मैं अंधा नहीं लग रहा एकदम जैसे अंधा होता है। तो चलो थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं इस तरह। मम्मी अच्छा लग रहा हूँ मैं? मेरी मम्मी इतना झूठ बोलती है ना, बहुत सुंदर लग रहा है, इतना गुंडा लग रहा हूँ ना मैं। तो मिन्नी अभी थोड़ा शॉक होने वाली है क्योंकि मैंने उसको बोला चल कुछ खाने चलते हो। वैसे देखो मैं खुद को बहुत अजीब सा लग रहा हूँ, बट ठीक है थोड़ा उसका रिएक्शन चेक करते हो, देख के कैसा लगेगा उसे। अभी मिन्नी का रिएक्शन देखते हो कैसे बोलेगी, अरे तुझे क्या हुआ एकदम? ध्यान से देख के इस लड़की को, ही है वो लड़का अपने घर पर झूठ बोल के आई है। मेरी गरीबी का मजाक उड़ाता है, मेरी गरीबी का मजाक उड़ाता है यार। घर पे ऐसी हालत हो रखी है कि ड्रायर है नहीं, और मुझे गलती से चश्मा मिल गया तो मैंने बोला इसको पहन के देखा जाए कैसे लगता हूँ। चश्मा तो ठीक है, बाल क्या है तेरे ना? तो नहीं समझेगी। Yes. चलो गाइस कुछ खाने चलते हैं, गाइस हट जा, आज मत लगा। अपडेट हो रही है, पता नहीं चलता। मैं तो भूल ही गया था आप भी ब्लॉगर हो। बढ़िया तेरे ब्लॉग के लिए शेयर हो जाएंगी और इसके ब्लॉग में डल जाएंगी। मैं ऐसे डेली वाला नहीं कर रही ना अभी, वो कर लिया गाने मत चला कॉपीराइट आ जाएगा, वो कर लिया तो फिर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा ना, ऐसे की
मतलब तू डेली व्लॉगर है वो, मैं थोड़ा बैठ के वीडियो बनाने में थोड़ा इंटरेस्टेड रहती हूँ। तू तो घूमता रहता है राजस्थान जयपुर अपने गाँव जाता रहता है, मेरे पास कोई और स्टेट है ही नहीं फेमिलियर। हाँ बोल तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता ऐसे, ये ऐसे बन के मत दिखा। तेरे पास जगह है जाने के लिए, तू जयपुर में तेरे रिलेटिव्स रहते हैं ठीक है, गांव में तेरा तेरा खुद का गांव है, मेरे पास कोई जगह नहीं जाने के लिए भाई। हम पहली बार पूरी मतलब मैं जीजू अगर हम लोग पहली बार गए थे घूमने के लिए। तो गाइस मुझे लग रही है बहुत तेज भूख और जिसके चलते मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं इस लड़की को लेके आया हूँ क्योंकि मेरा अकेले में टाइम पास नहीं होता थोड़ा सा। तुझे कुछ खाना है? मतलब मैं टाइम पास हूँ? नहीं टाइम पास नहीं है, तू मेरा घनिष्ठ मित्र है, तुझे कुछ खाना है? मुझे कुछ नहीं खाना, मैं मस्त खाना खा गई, दाल चावल अचार। चल ठीक है, तुझे कुछ नहीं खाना फिर भी लाना है तेरे लिए, ये कहना चाह रही हूँ। थोड़ा सा टेस्ट कर लो, पता ही है मौसम अच्छा हो रहा है, एसी में बैठे ही शीशे नीचे कर ले। हाँ वही शीशे नीचे कर ले, पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है आजकल। ओ इतना सारा खाना अकेले कैसे खाएगा, तो बहुत सारी भूख लग रही है ना क्योंकि। क्या ये सैंडविच बनाने के लिए? मैं बचपन में कैंपा कोला पी थी, तो अब तक कैंपा कोला वापस आ रहा है, 7 रुपए की आती थी कैंपा कोला, वापस आ रही है इंडिया में। इतनी सी देर का व्लॉग होता है हमारा, बस देखो 5 मिनट गए, 5 मिनट में खाया, 5 मिनट में पेट भरा और अब वापस घर, वापस घर। और बहुत काम है अपना, रूम ट्रांसफॉर्म कर ले ठीक है, मैंने भी कर लिया अभी तो, मेरा ड्रायर पता नहीं कहाँ पड़ा है, मेरा सब कुछ गायब है इधर इधर, अभी तो मैं ऐसे बाल करे घूम रहा हूँ तेरे। अब यार क्या है ये, इस लड़के को कमेंट्स में बोलना है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, अच्छा लग रहा नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ से बड़े करूंगा इतने बड़े वाले यहाँ तक नहीं, वो अलग बात है। आजकल तेरी स्किन इतनी ऐसे ग्लो कर रही है, गंदे काम नहीं कर रहा। समोसे खाएगी ये लड़की, अपने समोसे लेके जा रही है, समोसे केले ये सामान लेने आए थे, झूठ बोलती है। गाइस फाइनली फ्री हो गया हूँ मैं अभी, और अब मैंने सारा कुछ काम करा लिया, बाकी आपको दिखाऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन जो रूम की इस बार करी है, क्योंकि अभी पूरा दिन से 4 दिन हो गए तो पूरा एकदम सूखने वूखने में सारी चीज़ों में टाइम लग रहा था, उसके बाद मेरा जो दिमाग चलाया मैंने वो सिर्फ 1 दिन में काम कम्प्लीट हो गया। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, तो सुबह सुबह का वक्त है और बॉडी हमारी यहाँ पे थोड़ी सी मेंटेन है, जिम जाने से पहले भाई अपनी पूरी डाइट ले रहा है। और क्या है भाई अकेले अकेले हैं, क्या बोल रहे हो मेरी डाइट के बीच में कोई नहीं आ सकता? 2 महीने के बाद जाके आज खा रहा हूँ, आज भी तो टोक दे। दिखाऊं क्या क्या है? हाँ। देख एक नींबू, एक ब्रेड उसके अंदर पीनट बटर, ओ दूसरा ब्रेड उसके साथ में ये रोस्टेड भुर्जी, क्या कहते हैं भुर्जी कहते हैं, भुजिया भुजिया, भुजिया तो नमकीन होती है, अच्छा मतलब भुजी भुजी है। तो वो यार सही है, पूरी डाइट ले रहा है, क्या फायदा, हार तो फिर भी जाएगा मेरे से। एंड गाइस एक बार ना व्यू देख लो आप, कितना प्यारा हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैं इंडिया में हूँ ही नहीं। ऐसा व्यू तुझे सिर्फ इंडिया में मिल सकता है और बाहर नहीं मिलेगा, इंडिया के बाहर तो ले लग रहा है तो इंडिया में नहीं है। पाकिस्तान में जरूर मिल सकता है भाई, मान जा भाई कितनी डाइट लेगा है, कभी केला कभी क्या, और कुछ खाना है जिंदा इंसान खाएगा? ये खा ले ले बालम का खीरा, इसका नाम है गाइस बालम का खीरा। इससे तरह तरह की जड़ी बूटियां बनती है, ये काफी तरह के प्रयोग में भी आता है। आज मैं बहुत सारे लोग लेने, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर है क्योंकि ऑलमोस्ट सारे सेम ही कलर होते हैं मेरे पास, लेकिन इस बार हम कुछ नया कलर चूज करेंगे और देखते हैं कौन सा फिटिंग आती है, फिटिंग का बड़ा इश्यू रहता है मेरे साथ। ये हमारा सैंडो, ये 2 चीजों में पसंद आई है, वैसे एक चीज नोटिस करना कि इन वाले मिरर्स में ना बॉडी सही लगती है जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं। मैंने ना अभी एक नया प्री वर्कआउट यूज करा है, तो उसको मैंने पी लिया घर से आने से पहले, और अभी इतनी ज्यादा इचिंग सी हो रही है क्योंकि बहुत टाइम बाद, ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने बाद जाके मैंने पहली बार प्री वर्कआउट लिया, भाई पहली बार ऐसा हिट कर रहा है ना, तो अभी भी ऐसी वाली इचिंग हुई है यहाँ पे। तो फटाफट से जिम पहुंचते हैं, वर्कआउट करते हैं आज का, और ये रहा हमारा न्यू लोअर। तो एक चीज है यार, आपकी चीज पास ना कुछ भी हो कितना ही, लेकिन जो नई चीजों को पहनने का मजा आता है ना, आहा हा। धीरे धीरे वापस रूटीन में आते जा रहे हैं और बॉडी कंडीशन अच्छी होती जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि देखो यही फायदा होता है जब आप अच्छी डाइट लेते हैं और उसके बाद अच्छे से वर्कआउट करते हैं, बेशक पेट है अभी लेकिन कोई नहीं। सारी दुनिया मेरा साथ नहीं छोड़ती, मैनू सौं है तेरी, मैं आना चाहूं।